नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। गर्मी का मौसम शुरू होते ही वन प्राणी पानी की तलाश में बसाहट की तरफ चले आते हैं। इस बात की जानकारी शिकारियों की होती है, जिसका फायदा उठाते हुए ये लोग जल स्रोतों में जहर डालकर शिकार करने का काम करते हैं। ऐसे एक मामला बालाघाट जिले के खेरलांची वन परिक्षेत्र अंतर्गत मुरझड़ के गर्राबोरी में सामने आया है, जहाँ 6 मादा चीतल शिकार हो गए। शिकारियों के द्वारा तालाब के पानी में जहर डाला गया था, जिससे 5 मादा चीतल सहित 1 कोठरी वन्य प्राणियों की तालाब का पानी पीने से मौत हो गई। मृत चीतलों में से 1 गर्भ अवस्था में थी। सभी मृत चीतलों की उम्र लगभग 5 से 4 वर्ष बताई जा रही है। वन विभाग की टीम को पता चला कि वन विभाग के SDO अमित पटौदी अपने अमले के साथ वहां पर पहुंचे और जांच की। डॉग स्क्वाड की मदद से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया। वहीं इस पूरी घटना में शामिल अन्य आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इस तरह 6 मूक मासूम वन्य प्राणियों का इतनी आसानी से शिकार हो जाना खेरलांजी वन परिक्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों और विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। पूरी मादा है। सर, आपका नाम? मैं अमित पटौदी, SDO कटंगी फॉरेस्ट। सर, क्या क्या घटना हो गई थी, ये सूचना कब मिली आपको? ये आज सुबह मुझे 8 बजे सूचना मिली परिचित्र अधिकारी हेडलंजी के माध्यम से कि एक गर्राबोड़ी गांव के पास में राजस्व क्षेत्र में एक तालाब है जी, उसके पास में कुछ चीतल का मतलब मृत्यु हुई है जी। तो उनके द्वारा प्रारंभिक रूप से बताया गया कि पॉइजन के द्वारा मतलब इनकी मृत्यु हुई है। सर, संख्या कितनी थी जंगली जानवरों की? शुरुआत में तो 4 बताई गई थी, लेकिन जब आके फिर और आगे वन क्षेत्र में इसका निरीक्षण करवाया गया जी, लगभग 5 चीतल पाई गई और 1 जो है बार्किंग डियर पाई गई। तो सर, इसमें नर मादा कितने थे और उम्र क्या थी इनकी? जो चीतल जो है लगभग 5 संख्या में है, वो सभी मादा है और 4 से 5 वर्ष की उनकी उम्र है जी। और एक जो बार्किंग डियर है, जिसको हम भेड़की बोलते हैं यहाँ पर सामान्य भाषा में जी जी, और उसकी उम्र लगभग 3 साल है। तो सर, क्या पाया गया कि कौन सा पॉइजन का उपयोग किया गया था? वैसे मौके से मालूम पड़ रहा है कि कोई ऐसा केमिकल तो इन्होंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन यूरिया का घोल जो बनाकर जी जी उससे करने की शायद से पुष्टि मिल रही है। और बाकी अभी हमने उसका जो पानी का सैंपल है वो हमने ले लिया है जी।